शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब आपकी कसम खा रहे भालू जी, अगर आपने हमें माफ नहीं किया, इसे पिएंगे और दम तोड़ देंगे आपके सुहागन बनकर। हर बार माफ किया हमने तुमको, लेकिन इस बार नहीं करेंगे हम तुमको। कैसी खुशखबरी है, हम श्रवणी का रिश्ता लेके जा रहे हैं। कहा? शिवांश के घर। कुछ नहीं होगा आपसे, कुछ नहीं होगा। हमें अन्न की कसम है, एक निवाला भी नहीं खाएंगे जब तक श्रवणी और शिवांश को अलग नहीं कर देते, हमेशा हमेशा के लिए। क्या बे? पहले कभी किसी लड़की को चाय पीते नहीं देखे क्या? लड़की घूरते हो, डिंगे कंटा। चलो दुकान बंद है, उठा। तुम ये दबंगे छोड़ क्यों नहीं देते? हमारा मतलब है आप। अरे भाभी जी, नौकरी लग गई इनकी तो। और रही बात दबंगे की, तू गई ई डिब्बा में। वो तो आपको देख के भैया जी का जोश ना जोर मारने लगता है। नौकरी कहा? चाय पी दे भैया जी। आपकी चाय। चाय पीजिए। आज यहाँ कैसे आ गई? हमारा मतलब है आज कॉलेज नहीं गई। चाहेंगे बस थोड़ी देर में। वो कल तुम पर बंटी बरस गया, इसके लिए सॉरी। और कुछ? और कुछ नहीं। चलते हैं। दीदी पैसे? उन्हीं से ले लीजिए जिन्होंने चाय बनवाई है, हम नहीं देंगे। अरे बस इतने से दिए? बस इतने से दिए? इतने से कहाँ होगा, और ले लीजिए। ये लीजिए, हम आपके लिए लाए। आप तो सारे दिए रख लीजिए, इस बार तो आपको और दिए जलानी चाहिए। किस खुशी में? आपके घर नई दुल्हन जो आने वाली है, जिसके बाप ने आपके बेटे को मारा था। क्या बक रही है? हम बकते नहीं, दूर का देख लेते हैं, आगे का सच भांप लेते हैं। लेकिन आप तो सब भूल गए, और सब भूल भुलाकर अब गठबंधन करने को तैयार हो गई। 60 की नहीं हुई हो और सठिया गई हो। हम कौन सा गठबंधन जोड़ रहे हैं? हमारा नहीं, अपना सोचिए। आप बस ये सोचिए कि जब आप अब घर पहुंचेंगे, वहां पर भानु जी हाथ में थाल लिए श्रवणी का रिश्ता मांगने गए होंगे शिवांश के लिए, फिर क्या करेंगे आप? तो आने दो, हमारे मर्जी बिना हमारे घर का एक पत्ता भी नहीं हिलता। कोई नहीं पूछने वाला आपसे। जो शिवांश है ना,
देख लीजिएगा, एक मिनट में हाँ बोल देगा। आप नजर नहीं आने वाली, पत्ता नहीं पूरा झाड़ हिलेगा। अरे इतना गुस्सा अम्मा जी, ऐसी गलत फहमी हमारे दुश्मनों को भी ना कि हमसे बिगाड़ कर किसी का काम बन सकता है भला। चंद्रा नाम है हमारा, नाम में भले ही चांद, आग हम सूरज पे रखते हैं। बस देखती जाओ श्रावणी कैसे आग फैलाते हम तुम्हारी जिंदगी में। रानी, अब तक हमारा सिर्फ एक ही सपना था, डॉक्टर बनने का। लेकिन अब इन आंखों ने चुपके से एक और सपना देखा है। ये सपना कब आ गया पता ही नहीं चला। बस सब ठीक हो माता रानी, सब ठीक हो। अरे आप लोग आइए ना, अंदर आइए आइए। और कैसे ना हुआ? नमस्ते। बहुत अच्छा लगा। नमस्ते बेटा, कैसी है बिटिया? नमस्ते बेटा। बस बस माफ कीजिएगा, हम यूं ही अचानक आ गए। ये क्या बात कर रहे हैं आप, ये भी तो आप ही का घर है। आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए ना, आप लोग बातें कीजिए, अभी चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। हाँ माँ, आप बैठिए, हम चाय नाश्ते का इंतजाम करते हैं। अच्छा ठीक है। भाई साहब, वैसे तो ये शगन हमें देना चाहिए आपको, हमारी लड़की आपके घर है, पर इतना सब कुछ हम कुछ समझे नहीं। ये इसलिए है क्योंकि एक लड़की हमारे घर आई है और एक लड़की हम आपके घर विदा करना चाहते हैं। जी जी, हमारी श्रवणी का मन आपके शिवांश के साथ जुड़ गया है, तो हम अपनी बेटी का रिश्ता पूरे विधि विधान के साथ इस घर के साथ करना चाहते हैं। आपको ऐतराज तो नहीं? ये तो बहुत अच्छी बात है। माँ लौकी तो नहीं मिली लेकिन ये मेथी। अरे तो क्या हो गया, आप खाएंगे? पालक के पकौड़े। नमस्ते, आप लोग यहाँ अचानक, सब ठीक है? सब ठीक है। शिवांश, हम श्रवणी का रिश्ता लेके आए तुम्हारे लिए। हमें लगता है तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो, है ना? तो बदले की भावना को भुला के हम चाहते हैं इस बार तुम दोनों हंसी खुशी एक हो जाओ और पहल करनी थी तो हमने सोचा पहल हम करते हैं। अरे भैया बहुत बहुत बधाई हो। आज तो दो दो खुशखबरी मिल गई, एक तो आपकी नौकरी लग गई और अब तो भाभी भी आने वाली है। अपना आप ज्यादा दिमाग में लगाओ और जल्दी से हाँ कह दो इस रिश्ते को।
ये सगुन हमारी तरफ से। तुमको हमारा प्रस्ताव स्वीकार है? उसे क्यों पूछ रहे हो? हम अभी जिंदा है। हमारा जवाब है नहीं, कभी नहीं। जिसने हमारी गोद उजाड़ दी उस बाप के बेटी को हम हमारे घर की बहू नहीं बनाएंगे। देखिए अम्मा जी, पुराने घाव खुरेदने से कुछ फायदा नहीं होगा, आप ही को तकलीफ होगी। श्रवणी से अच्छी बहू आपको नहीं मिलेगी। शुक्र मनाओ हमारे पोते ने तुम्हारे घर से अर्थी नहीं उठाई। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो तुम्हारे घर से डोली लेके आए। देखिए आप इनकार मत कीजिए। बाबा नहीं, हमने आपसे पहले ही कहा था। चलिए। हाँ चले जाओ बड़के ठाकुर, कहीं ऐसा ना हो कि हम बदला लेने पर उतारू हो जाए। तुम्हारी बेटी इस घर की दहलीज नहीं लांघेगी। अम्मा अब तो चुप हो जाओ। चुप करो चुपकी, सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारी उस घर से रिश्तेदारी हुई है। माता रानी, ये इतनी तेज हवा। सब ठीक हो माता रानी, सब ठीक हो। ये लो मम्मी, खाओ, एकदम गर्म है। और तरकारी भी खाओ ना, आपको बहुत पसंद है ना, खास आपके लिए बनवा कर लाए। आज जो कुछ भी हुआ सब कुछ आपके वजह से हुआ, वरना अब तक तो शिवांश का टीका भी हो चुका होता। मम्मी
अब आगे का क्या? आगे बर्बादी, श्रवणी की बर्बादी। वो कभी नहीं आएगी इस घर में, कतई नहीं। लड़कियों की कोई कमी है क्या? एक ढूंढेंगे तो 100 मिलेगी। हमारे नजर में एक लड़की है, सुमित्रा की पोती, ब्याह के लायक भी है और हमारे घर के लिए अच्छी भी है। बस हमें उसी से तुम्हारा रिश्ता करवाना है। अम्मा, हम नहीं करेंगे उससे शादी। काहे बोलो तो? जब श्रवणी का रिश्ता लेकर बड़के ठाकुर आए थे तब तो तुम टीका करवाने के लिए लपक गए थे। अब क्या हुआ, उसी हत्यारे की बेटी से शादी करोगे तुम? कान खोलकर सुन लो, ब्याह वही होगा जहां हम जाएंगे। फोन करके अभी सुमित्रा से कह देते हैं। अम्मा, घबराओ मत, बहुत बढ़िया घराने में रिश्ता करवा रहे हैं तुम्हारा। कल शाम को भावर भी पढ़वा देंगे। अम्मा हमारी बात सुनिए। तू चुप कर। अम्मा, अम्मा हमारी बात सुनिए। अम्मा फोन रखिए, फोन रखिए। अम्मा हम नहीं करेंगे शादी, और आपको श्रवणी से परेशानी है ना, तो ठीक है, हम उससे भी नहीं करेंगे। आप खुश? अम्मा, अम्मा शिबू सही कह रहा है, आखिर उसका मन ही राजी नहीं है तो हम ऐसा कैसे कर सकते? तुम चुप बैठो। आशिपो, हमारी बात सुनो, हम हमारे छुटकन की कसम खाते हैं, अगर 24 घंटों में तुमने शादी नहीं की तो हम अन्न और जल दोनों ग्रहण नहीं करेंगे। मान जाइए, हमने कह दिया मतलब कह दिया, हम जल ग्रहण नहीं करेंगे। श्रवणी, हमें माफ कर दो, हमने बहुत कोशिश की लेकिन उसकी दादी नहीं मानी। जो हुआ वो ठीक हुआ, वरना तुम्हारी जिंदगी नरक से कम नहीं होती है। तुम समझती क्यों नहीं हो श्रवणी, वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक है ही नहीं। अरे कहा तुम और कहा वो, तुम्हें याद है उसने किस तरीके से तुमसे शादी की थी? कोई भी शरीफ घर का लड़का क्या ऐसे करेगा बताओ? वो तो उसकी अंतरात्मा जाग गई थी, इसलिए उसने अपना मन बदल दिया। अब क्या सारी जिंदगी तुम उसके अंतरात्मा के जागने का इंतजार करती रहोगी? भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, कब तक ये दिया पकड़ के बैठी रहोगी? तुम्हारा सपना तो कुछ और है ना, तुम्हारा सपना तो डॉक्टर बनने का है ना, क्या बेकार के लोगों से उम्मीद लगाई बैठे हो? चलो हटो, हमें बुझाने दो। स्वीटी रुको, बुझाने दो हमें, हम तो ये दिया बुझा के ही रहेंगे।
स्वीटी। सही कहा तुमने, हमारा सपना है डॉक्टर बनने का, एक दिन बनेंगे भी जरूर। जानती हूँ, जब सारे इलाज बेकार हो जाए, जब कोई दवा या इलाज काम नहीं आता है तो डॉक्टर क्या कहते हैं? उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। उसी तरह हमारे हाथ की डोर किसके साथ बंधी और किसके साथ नहीं, वो तो माता रानी बताएगी। बड़के ठाकुर। अरे क्या हुआ? वो अम्मा भैया का ब्याह करा रही है, वो भी 24 घंटे के भीतर। भाभी जी, भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं। आज तक जो भी फैसला तुमने लिया है ना, हमें देख के लिया है, लेकिन ये फैसला तुम्हारा है, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम जाओ, पीछे मुड़ के मत देखना। शिवांश के पास जा रही हो? शादी करने जा रहा है, उसे रोकने जाओ। रोक सको तो रोक। आपकी अपनी श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।